दोस्तों मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वीडियो को व्यूज नहीं आ रहा है, इसलिए तुमने इस वीडियो को क्लिक किया है देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। देखो दोस्तों, अगर तुमने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है देखने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए, तो फिर इस वीडियो को पूरा देख के जाना, क्योंकि हम आज के इस वीडियो के अंदर एक ऐसे कंटेंट, एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं ना कि आज के टाइम में पूरे यूट्यूब में इस कंटेंट ने धमाल मचा रखा है। तो फटाफट तुम भी सीखो और तुम भी फायदा उठा लो, ठीक है ना। देखो दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, इस टॉपिक पे आपको जीरो मेहनत करना है, आपको मेहनत करना ही नहीं है, फुल आपको कॉपी पेस्ट करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और वीडियो को एडिट करके अपलोड कर देना है। आपका वीडियो मात्र 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो कौन सा कॉन्टेंट है, वो कौन सा टॉपिक है, चलिए आपको लेके चलता हूँ अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और आपको समझाता हूँ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि आज के टाइम में टाइम का बहुत ज्यादा महत्व है, तो हम आपका टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। चलिए आपको लेके चलता हूँ सीधा अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पे और आपको वहीं पर सब कुछ समझाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। अभी हम इस वक्त अपने YouTube के अंदर हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं अभी इस वक्त YouTube के अंदर हूँ, ठीक है। आप दोस्तों मुझे करना क्या होगा, मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि जिस कंटेंट पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस कंटेंट पे काम कीजिए, पहले देख लीजिए कि इस कंटेंट पे आज के टाइम में कितना ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है ना। FROUTS फ्रूट्स डिज़ाइन, DESIN, ठीक है, NE। दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये हमारे सामने इस प्रकार का वीडियो आ चुका है, आप दोस्तों देख लीजिए। ये सब फ्रूट हैं, मतलब ये सब फल हैं, और फल को काट करके डिज़ाइन किया जा रहा है, जो कि इन वीडियो पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, आप यहाँ पर देख लीजिए। 15 लाख, फिर 5.6 लाख, फिर 26 लाख, फिर 8 लाख, देखिए दोस्तों ये ऐसा व्यूज़ आ रहा है। फिर यहाँ पर एक साल पहले ये लॉन्ग वीडियो है जिसपे 20 लाख व्यूज़ है, फिर ये एक साल पहले ये शॉर्ट वीडियो है जिसपे 1 करोड़ व्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए, एक सेब को काट करके ये डिज़ाइन बनाया जा रहा है जिसपे 4.6 लाख है, फिर यहाँ पर 73,000 है, फिर 1.5 लाख है, फिर ब्यूटीफुल टमाटो वेटी, मतलब ये टमाटर का काट करके ये डिज़ाइन बनाया गया है जिसपे 4.5 लाख व्यूज़ हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, ये है तरबूज, ठीक है, वाटर मिलियन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, इस पर दोस्तों देखिए 1.4 करोड़ व्यूज़ मात्र एक साल के अंदर। फिर यहाँ पर एक साल पहले 85,000, ये सेब का डिज़ाइन है, और यहाँ पर ये पता नहीं क्या है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि 6 मंथ, ओ माई गॉड, यहाँ पर मात्र 6 महीना में 27 लाख व्यूज़ एक शॉर्ट पे, वो तेरी की क्या बात है यार। फिर यहाँ पर देख लीजिए, 2 साल पहले 13 लाख, फिर यहाँ पर है ये देखिए 7 लाख, फिर यहाँ पर 19 लाख, फिर 2.7 लाख, फिर यहाँ 20 करोड़, ओ तेरी की वाटर मिलियन, मतलब कि एक तरबूज को काट करके डिज़ाइन किया गया है जिसपे मात्र 11 महीना में 20 करोड़ व्यूज़, ओ तेरी की दोस्तों कितना ज़्यादा व्यूज़ है यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे वीडियो यहाँ पर लॉन्ग में भी आ चुके हैं, देखिए कितना अच्छा खासा व्यूज़ है, 19 लाख है, फिर 5.8 लाख है, फिर दोस्तों आपको करना क्या है, मैं आपको बताऊँ, शॉर्ट वाले को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर लॉन्ग वीडियो को आपको यहाँ पर उठाना है। मान के चलिए मैं इन वीडियो को बोल रहा हूँ जिसपे ये 19 लाख व्यूज़ हैं, आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, क्लिक कर दोगे फिर इस पर ऐड आएगा, ऐड को स्किप कर देना है, आपको एक वीडियो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना, एक वीडियो आप फुल HD में डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं डाउनलोड करने का तरीका आपको इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता, क्योंकि ये YouTube गाइडलाइंस खिलाफ है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हम YouTube की वीडियो को डाउनलोड कैसे करें, तो आप मेरे इस वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, मेरे टेलीग्राम का है और क्या नाम है इंस्टाग्राम का है, तो आप मुझे उस पर DM कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वो आप वहाँ पर पूछिए, मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा कि YouTube की वीडियो को डाउनलोड कैसे करते हैं, मैं आपको वहाँ पर सिखा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन आपको चलिए, अगर आप डाउनलोड कर लेंगे फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ।
दोस्तों जब आप इस वीडियो को पूरा डाउनलोड कर लेंगे ना, फिर आपको एडिट करना है। एडिट कैसे करना है मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने क्या नाम है एडिट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। दोस्तों अभी हम अपने फ़ोन के स्क्रीन पे हैं। दोस्तों हमें करना क्या होगा, जाना होगा फटाफट अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं VN एप्लीकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। हमें करना क्या होगा, इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और अपने उस वीडियो को ले लेंगे जिस वीडियो को हमने डाउनलोड किया था यूट्यूब से, ठीक है। तो हम फटाफट अपने उस वीडियो को ले लेते हैं। इतना करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा एरो का, इस पर क्लिक कर देंगे फिर आपका वीडियो इस प्रकार आ जाएगा। तो हमें उस पार्ट को ले लेना है, ठीक है ना। चलिए जिस पार्ट को हमें लेना है उस पर हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये वाला जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये वाला पार्ट जो है सेकंड वाला स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से, ये कहाँ क्या, यहाँ से, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है स्प्लिट कैचिंग ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे और जिस पार्ट को हमें डिलीट करना है उस पर क्लिक करके ऐसे डिलीट कर देंगे, ठीक। अब आपको क्या करना है, अब हमें देखना है कि ये जो वीडियो हमारी है वो कहाँ तक है। तो आगे बढ़ते हैं तो ये वीडियो जो हमारी है यहाँ तक बन के कम्प्लीट है, ठीक है, यहाँ तक कहा गया, ये यहाँ तक, ठीक। इस पर क्लिक कर देंगे और फिर स्प्लिट कर देंगे और जिसको डिलीट करना है उस पर क्लिक करके डिलीट कर देंगे, हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो साइज है ये हमारी लॉन्ग वीडियो की साइज है, तो हम इसे कैसे शॉर्ट वीडियो वाली साइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए बताता हूँ। दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ओरिजिनल का ऑप्शन है, ठीक है ना। तो इस पर हमें क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए सेकेंड नंबर पर बन के आ गया 9.16। इस पर क्लिक कर देंगे ये वीडियो अपनी जो है ऑटोमेटिक ये हो जाएगी शॉर्ट वाले साइज में सिलेक्ट, ठीक है। चलिए आपको एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, लेकिन दोस्तों आपको इसमें अभी बहुत कुछ करना है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है चेंज करना चाहते हैं तो आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर बना है वॉल्यूम का पूरा स्लो कर दीजिए, फिर सही कर दीजिए। और आप चाहते हो अलग से खुद का म्यूज़िक ऐड करना तो यहाँ पर देखिए बना हुआ है, आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखो है ना। इस पर क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पे जाएंगे और माई फाइल्स क्लिक करेंगे और अपना कोई भी एक वीडियो अपना कोई एक म्यूज़िक ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ये वाला ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिक इस वीडियो के साइज़ में ये म्यूज़िक जो है ऑटोमेटिक बन के आ जाएगा, तो हमें कट नहीं करना है, ठीक है ना। अब अगर आपको इस म्यूज़िक का वॉल्यूम स्लो करना है तो म्यूज़िक पे क्लिक करेंगे और वॉल्यूम का ऑप्शन इसको हम यहाँ पर कम कर देंगे, ठीक है, ये कम हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें काम करना है, अगर आप इस प्रकार का वीडियो अगर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, उसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें ना अपना रिएक्शन वीडियो इसमें बीच बीच में ऐड करना है, ठीक है ना। तो कैसे करते हैं चलिए आपको वो भी मैं बताता हूँ। तो हम सीधा कट कर देते हैं और पहुँच जाते हैं अपने फ़ोन के कैमरे में, ठीक। यहाँ पर मैं आ गया, वीडियो वाले सेक्शन पे गया और फ्रंट या फिर बैक में कर दिया और यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ रिएक्शन ऐड करना है, मतलब कि कुछ इस प्रकार, देखिए
दोस्तों कुछ इस प्रकार आप ऐड, ठीक है ना, आपको कुछ इस प्रकार अपना मतलब शॉकिंग वाला वीडियो ऐड मतलब शूट करने लगा है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है आपको, इस पर क्लिक करना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे, सॉरी कहाँ गया, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर वीडियो पे क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए जो हमने शूट किया था वो वीडियो मेरा आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इधर आएंगे ना, तो देखिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मार्क्स का, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, देखा ना, ये है मार्क्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर कर देंगे, देखिए ये जो हमारी जो है वीडियो है ना वो बन के आ गया है। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे, हम क्या करेंगे किसी एक कोने में रख देंगे इसको, या फिर ऊपर रख देंगे, जैसे आप रखना चाहो, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ डुप्लीकेट, तो ऐसे कर देंगे, फिर जाएंगे इस पर, फिर इसको हम ऐसे ही कर देंगे, मतलब कि हमारा वीडियो का लेंथ जहाँ तक है वहाँ तक इसको ऐसे मतलब डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 2 मिनट तक 3 मिनट तक आप ऐसे रिएक्शन दे करके एक ही बार में लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं दोबारा दोबारा, ठीक है। तो मैं तो दोबारा दोबारा करने वाला हूँ, ठीक है। ये हो गया ना, अब आप देखो एक बार, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट तक आपको रखना है, 1 मिनट से आपको कम रखना है, क्योंकि जानते हैं शॉर्ट वीडियो पे 1 मिनट से ऊपर आप नहीं रख सकते ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइमिंग देखेंगे, तो यहाँ पर हम करने वाले हैं 58 सेकेंड, ठीक है। 58 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट कर देंगे इसको, यहाँ से देख लीजिए अब ये जो मेरा वीडियो है बन के हो गया कम्प्लीट। अब इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने वाली आवाज़ वीडियो की जो जो मैंने रिएक्शन किया था उसका हम वॉल्यूम कम कर देंगे, क्योंकि हमें उसका कम करना है। तो इस पर जाएंगे और यहाँ पर बना होगा एक वॉल्यूम का ऑप्शन, इस पर क्लिक और इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके इसको हम, ये हो गया मेरा वीडियो कंप्लीट।